हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको बीएड करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीएड में सीटें जो है वो कितने टाइप्स की होती है, कॉलेज कितने टाइप के होते हैं, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक यही है कि बीएड में जो है सीटों के कितने टाइप होते हैं। तो सीटों के टाइप समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉलेज के कितने टाइप होते हैं बीएड में। ठीक है, अगर हम लोग कॉलेज के टाइप समझ लिए तो सीटों के टाइप जो है हम लोग वैसे ही समझ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यूजुअली थ्री टाइप्स के जो है बीएड में सीटें होती हैं, लेकिन हमारे माइंड में केवल दो टाइप ही जो है सेट होता है। वो कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका गवर्नमेंट और एक होता है आपका प्राइवेट। यानी कि हम लोग इतना ही जानते हैं कि दो प्रकार की सीटें होती है, कॉलेज दो प्रकार का होता है, कि एक होता है सरकारी कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, यानी कि एक होता है आपका गवर्नमेंट सीट और एक होता है प्राइवेट सीट। लेकिन इसके अलावा भी एक और भी आपका टाइप होता है जिसे अभी हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, एक एक करके हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारे माइंड में आता है वो है गवर्नमेंट कॉलेज। आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी या फिर राजकीय, कहीं कहीं पर आपको राजकीय कॉलेज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी या फिर राजकीय कॉलेज। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें सीटों की, तो जो सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में होती है उसे हम लोग गवर्नमेंट सीट कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सीट की संख्या जो है यूपी में अगर हम बात करें तो बहुत कम जो है गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत कम है। लगभग अगर हम यूपी की बात करें तो इसमें जो है 8 से 10 ही जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें सीटों की संख्या की बात करें तो 600 से 700 ही जो है इसमें सीट आपको मिलेगी सरकारी कॉलेज में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी फीस के भी बारे में अगर हम बात कर लें कि गवर्नमेंट सीट की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, कि इसमें जो है आपकी कितनी फीस लगती है बीएड में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है बहुत ही कम आपकी फीस लगती है। लगभग आपकी जो है 2 से 3 हजार पर ईयर की ही फीस आपकी बीएड में लगती है, जो कि बहुत ही कम फीस है और इतने में ही आपका जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है आपकी पर ईयर की फीस है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो है गवर्नमेंट की तरफ जो है जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपका गवर्नमेंट सीट। आप समझ गए होंगे कि सीट जो है कितने टाइप की होती है। तो फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो पहला होता है कि आपका गवर्नमेंट सीट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे बात करें, दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा कॉलेज वो होता है एडेड। ठीक है, यानी कि एडेड कॉलेज। तो एडेड कॉलेज की जो सीट होती है उसे हम लोग एडेड सीट कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है आपका पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होता है, लेकिन इसे भी हम लोग सरकारी मान लेते हैं। और जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कि बीएड में हमें जो है सरकारी सीट चाहिए, वो इसी में जाने के लिए हम लोग जो है तैयारी करते हैं, क्योंकि यही चीज जो है हमारे माइंड में सेट होती है, इसी को हम लोग मानते हैं सरकारी। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी सीट बहुत कम है, आप देख रहे हैं, तो ये और प्लस ये दोनों को मिलाकर ही जो है हम लोग ये सोचते हैं कि इतनी सीट जो है गवर्नमेंट की है, हमें इतने में जो है फाइट करनी है। ठीक है, तो एडेड यानी कि आपका इसका हिंदी होता है अनुदानित, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ हेल्प करती है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं करती है, कुछ मात्रा में जो है इस प्रकार के कॉलेज में गवर्नमेंट हेल्प करती है, जिसे एडेड कॉलेज कहा जाता है। और एडेड कॉलेज की जो सीट होती है उसे एडेड सीट कहा जाता है। ठीक है, और ज्यादातर जो है हमारे माइंड में यही सेट होता है और हम लोग प्रिपरेशन भी इसी की करते हैं कि गवर्नमेंट और एडेड दोनों को मिलाकर ही जो है हम लोग पूरी तरीके से गवर्नमेंट मान लेते हैं और इसी सीट के लिए हम लोग जो है आगे फाइट करते हैं। ठीक है, तो इसके सीट की अगर हम बात करें तो इसकी सीट जो है आपकी लगभग 10 से 11 हजार इसमें सीट होती है। ठीक है, तो जो एडेड कॉलेज की सीट होती है उसे जो है एडेड सीट कहते हैं। इसमें अगर हम फीस की बात करें तो इसकी फीस जो है लगभग आपकी 4 से 15 हजार पर ईयर की फीस लगती है। देखिए, एडेड कॉलेज जितने भी होते हैं हर कॉलेज की जो है अलग अलग फीस भी यहाँ पर होती है। किसी कॉलेज में 4 हजार होती है, किसी में 5 हजार, किसी में 6 हजार, 8 हजार, इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है फीस भी होती है। तो आपको जहां पर भी कॉलेज मिल रहा है, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आपको वहां पर पता करना पड़ेगा कि वहां की फीस जो है कितनी है, क्योंकि ये फिक्स फीस जो है नहीं होती है। ठीक है, जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे एडेड कॉलेज की कि कौन कौन से एडेड कॉलेज कहां कहां पर है, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि उस कॉलेज की फीस जो है वो कितनी है।
ठीक, तो ये हो गया आपका एडेड कॉलेज, इसमें कितनी सीट होती है ये भी हम लोग समझ लिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये होता है आपका प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज यानी कि इसमें अगर हम बात करें इसके हिंदी की, तो निजी या फिर जो है इसे स्व वित्त पोषी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइवेट कॉलेज जिसमें सीटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लगभग अगर हम बात करें तो 2 लाख जो है इसमें सीट होती है, 2 लाख से ऊपर भी आपकी सीट हो सकती है। यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 लाख जो है प्राइवेट कॉलेज में सीट होती है। तो ऐसी सीट जो कि प्राइवेट कॉलेज में होती है वो जो है प्राइवेट सीट होती है। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की फीस की, तो लगभग इसमें 52,000 पर ईयर की आपकी जो है बीएड की फीस लगती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यही कोशिश रहता है कि हमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिले, गवर्नमेंट सीट मिले। गवर्नमेंट में आपका चाहे इसमें सीट मिले या फिर इसमें मिले, गवर्नमेंट में अगर आपको सीट लेना है तो इसमें जो है बहुत अच्छा रैंक आपको लाना होगा। लेकिन अगर आपको एडेड भी मिल जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें भी फीस जो है आपकी बहुत कम लगती है, कम फीस में ही जो है आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी आपके लिए बहुत सारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर के एक बार जो है चैनल को जरूर विजिट करें। थैंक यू।